अगर आप भी सुबह के टाइम ज़्यादा मेहनत से बचना चाहते हैं और कम टाइम में मज़ेदार सा नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ट्राई करिए ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं हूँ फिज़ा, वेलकम करती हूँ आपको लाजवाब पकवान में। तो लाजवाब पकवान में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट ऐसा अंडा पराठा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही लजीज है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने एक अंडा लेना है, इसको अच्छी तरह से तोड़ कर एक बाउल में ऐड कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध लेना है हमने, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना। और अब अंडे और दूध को आपस में करेंगे अच्छे से मिक्स। एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें, इससे आपके रिस्क में जो बरकत होती है। और एक छोटा सा टमाटर, वो भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। एक ही हरी मिर्च ली थी मैंने और एक ही लाल मिर्च, दोनों को बारीक बारीक काट कर वो भी इसमें शामिल करूँगी। खूबसूरती के लिए ढेर सारा हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे जो रेसिपी की लुक होती है वो बहुत ही प्यारी लगती है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें जो हैं आपस में अच्छे से यकजा हो जाएँ। और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप मैं इसमें मैदे का शामिल करूँगी। मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप और आटा भी। मैदे को मैंने अच्छे से छान कर इसमें शामिल किया, आप लोग भी ज़रूर एक दफ़ा छान लिया करें। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पर कंसिस्टेंसी देख लूँगी। अगर आपको मिक्सर थोड़ा सा गाढ़ा या थोड़ा सा आपको ज़्यादा पतला लगा तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। एक खूबसूरत सा मैंने पैन लिया, अब मैं अपने बैटर को इसमें पोर कर लूँगी। किसी भी चीज़ से आप इसको डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं पैन को अच्छे से हिला लूँगी ताकि जो बैटर है वो सारा इक्वली हर जगह पर पहुँच जाए, गोल सा पराठा हमारा बनकर तैयार हो जाए। याद रखें, ये आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी। और अब मैं इसमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर दूँगी। इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलाना और इसके बाद नीचे से हल्का स्पैचुला की मदद से हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। करने लगे यहाँ पर एक खूबसूरत अंडा लिया है, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसमें मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी। एक साइड पर पराठे के वेजिटेबल्स की लुक आएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगी और दूसरी साइड पर ये अंडा नज़र आएगा और इसकी जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी और दूसरी साइड पर ये अंडे का फ्लेवर भी देगा। साइडों पर मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ताकि जो पराठा है वो बहुत ही क्रिस्पी बने और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसकी साइड को अब मैं चेंज करूँगी, अच्छे से इसको हिलाऊँगी पहले, और जब ये नीचे से अपनी साइड को छोड़ दे, पैन को छोड़ दे, तो हम इसकी साइड को जो है वो चेंज कर लेंगे। तो देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक है, ये तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, और देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो तक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।